अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल आज शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमने पिछले लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल हो गए थे, वो चैप्टर नंबर 6 तक हो गए थे। आज हम चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको मैंने उस दिन बताया था कि न्यूमेरिकल में तीन चीजों का आप ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेटमेंट में आपने देखनी है स्टेटमेंट में क्या फाइंड करना है, ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा हो, ठीक है। उसके बाद हमें एक फार्मूला आना चाहिए, फार्मूले आ गया तो हम सारा वो न्यूमेरिकल खुद हल कर देते हैं। तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ सरफेस एरिया दैट मेजर बाय 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर, द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। यहाँ पे एरिया दिया गया और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों चीजें दी गई हैं। हमें इसमें जो फाइंड करना है वो फोर्स हमने फाइंड करनी है इसमें। तो हमारे पास जो है गिवन डाटा में दो चीजें दी गई हैं, गिवन डाटा एक को हमारे पास एरिया दिया गया, एरिया आपने पढ़ा था 4-5 में पढ़ दिया है, 6-7 मैथ में 0.5 का लेंथ वर्टिकल लेंथ होता है, यानी 0.5 है तो इसके लेंथ मल्टीपल लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो आएगा 0.25 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया इसका, ठीक। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया, प्रेशर जो है हमारे पास वो है 200 किलो पास्कल दिया गया है। प्रेशर की यूनिट आपको पता है पास्कल होती है, इसलिए किलो 10^3। अब हमने इसमें फाइंड जो बात करनी है वो है फोर्स, हमने इसमें फाइंड करनी है फाइंड फोर्स सॉल्यूशन। हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी नो दैट यहां यहीं से प्रेशर के फॉर्मूले से ये बात हम करेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां से हमने फोर्स निकालनी है, फोर्स से ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करें इसमें, पुटिंग वैल्यूज वी गेट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर की हमारे पास जो वैल्यू है 200 है, ठीक है। उसके बाद एरिया की वैल्यू हमारे पास है जो वो है 0.25, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो 50 किलो न्यूटन, क्योंकि हमारे पास पास्कल जो था वो किलो पास्कल में था इसलिए ये साथ किलो आएगा, ठीक है। और फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, साथ वो आएगा, इस तरह ये फोर्स इसके निकल आई है, ठीक है। इसमें आपने जो बात फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया ऑफ द, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल है, दूसरा भी हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम दैट वुड एक्सपर्ट the same pressure as the 1881 centimeter of turpentine, density of mercury and the turpentine are 13,600 cubic meter and 840 kilogram per cubic meter respectively। यहाँ पे अब हमने जो find करनी है वो है height of mercury, हमने find करनी है, ठीक है। बाकी हमारे पास चीजें सारी दी गई हैं, pressure भी दिया गया है, ठीक है। तो प्रेशर हमने पता है जो है प्रेशर हाइट ऑफ मर्करी कॉलम जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ टर्पेंटाइन जो दी गई है, हाइट ऑफ टर्पेंटाइन यानी H1 जो है वो हमारे पास H2 जो H1 फाइंड करनी है, H2 हमारे पास दी गई 81 सेंटीमीटर, इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.81 मीटर। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ
मिन आउट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो भी दी गई है 13,600 किलोग्राम। उसके बाद डेंसिटी ऑफ क्रिप्टन ड्राइन है जो वो दी गई है, डेंसिटी ऑफ क्रिप्टन ड्राइन रो वन दी गई है, वो हमारे पास है 840 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रो वन आ गई। अब हमने फाइंड आपने करनी है हाइट ऑफ व्हाट इज द हाइट ऑफ मर्करी, हाइट हमने h1 फाइंड इसमें करनी है, हाइट ऑफ मर्करी हमने इसमें फाइंड करनी है h1, वो हमने फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब हमने फार्मूला जो शुरू बन रखा है कि जो मर्करी है वो किसके इक्वल होती है, रो प्रेशर इज इक्वल टू, हाँ जी हमें पता है कि रो टू जी एच टू, रो टू जी एच टू, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ जी रो टू की अब वैल्यू हमारे पास दी गई है, वैल्यू पुट करें इसमें, पी इज इक्वल टू रो टू है हमारे पास 13,600 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू का हमें पता है उठन होती है मल्टीप्लाई एच टू, एच टू की वैल्यू हमारे पास 0.81, पी इज इक्वल टू। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1,10,160 हमारे पास प्रेशर आया। अब हमने ये तो हमने अकॉर्डिंग टू डेंसिटी निकाली है मर्करी कॉलम टू की, अब हम निकालेंगे डेंसिटी अकॉर्डिंग टू कॉलम वन की। आल्सो वी नो दैट, इसी से अब आल्सो वी नो दैट रो प्रेशर इज इक्वल टू रो वन जी एच वन, जी जी ठीक है। अब हम इसकी ये निकालेंगे रो वन जी एच वन, ये वैल्यू कौन करें इसमें, तो हमारे पास हाइट ऑफ मर्करी कॉलम वन निकल आएगी। अब हमें पता है कि हमने जो प्रेशर की वैल्यू निकाली है, प्रेशर हमारे पास गिवन है, अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हाइट क्या आती है। तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास दी गई है, ये हम प्रेशर इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे इज इक्वल टू रो वन डेंसिटी 840 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई एच वन। अब ये इधर 10160 और ये इसके नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे एच वन इज इक्वल टू हाफ 1,10,160 को डिवाइड करें 840 पे 8,400 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 13.11 मीटर। ये हमारे पास की मर्करी कॉलम हाइट आ गई है, हाइट ऑफ हेंस आ द हाइट ऑफ मर्करी इज 1300, ये आया मीटर में, अगर सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई कर दें हाइट ऑफ मर्करी इज 1311 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है मर्करी हाइट ऑफ। नेक्स्ट मेडिकल नंबर थर्ड है रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वेज 47.9 मीटर, कैलकुलेट द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रेशर, हमें इसमें प्रेशर दोनों तरह का निकालना, लीस्ट और ग्रेटेस्ट प्रेशर निकालना, जबकि हमारे पास बाकी जो है डायमेंशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल भी निकालना और वर्टिकल पोजीशन दोनों में। तो सबसे पहले हम वर्टिकल पोजीशन देखते हैं इसकी, इन वर्टिकल पोजीशन में जब ये ग्लास लेंस इस तरह है
वर्टिकल पोजीशन में जब होगा, ये वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में जब इसका वेट जो है वो वेट है जो वेट W is equal to F is equal to 47.5 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद एरिया जो दिया गया वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, एरिया जो है वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। एरिया आपने पढ़ा लेंथ पर डिवाइड लेंथ होता, ठीक है। इसको अगर हमने कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें 100 तो आ जाएगा हमारे पास एरिया, हमारे पास जो है 10 मल्टीप्लाई 5 50 सेंटीमीटर एरिया जो दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाता है जी 10 मल्टीप्लाई 5 है, 10 मल्टीप्लाई 5 है तो ये आ जाता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो दोनों को लादा लादा अगर करें तो 50 को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 पे डिवाइड करते हैं, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में आ गया एरिया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसमें प्रेशर फाइंड करना है, वी नो दैट पी इज इक्वल एफ बाई ए, हमारे पास जो है फोर्स P है जो वो है 47.5 और एरिया हमारे पास है जो 0.05 है, ठीक है। हमारे पास प्रेशर इसमें डिवाइड करने से हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो आएगा 9500 पास्कल, 9500 पास्कल, ये हमारे पास प्रेशर आ गया है, ठीक है। ये आया हमारे पास वर्टिकल पोजीशन। अब हम इसी को लेके आगे चलेंगे हॉरिजॉन्टल, 950 पास्कल हमारे पास प्रेशर आ गया। अब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखेंगे इसे, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देखेंगे, पहले वर्टिकल था अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हमें इसका प्रेशर फाइंड करना है। सेम यही है, वेट हमारे पास दिया गया है 47.5 मीटर, ठीक है, 47.5 मीटर। एरिया हमारे पास अब जो है उसमें आ जाएगा 20, ठीक है। डायमेंशन देखेंगे तो हमारे पास एरिया जो आएगा वो आएगा 20 मल्टीप्लाई 10 200 सेंटीमीटर के, इसको आप डिवाइड करें 1000 पे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर। 200 को 1000 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.2, ठीक है। अब हमने प्रेशर इसका फाइंड करना है जनरली पोजीशन में, प्रेशर वही फार्मूला लगेगा, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। P इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास कितनी थी 47.5 न्यूटन और हमारे पास जो है एरिया दिया गया वो था 0.2, डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा 47.5 को 0.2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, डिवाइड करें 237.5 पास्कल, ये हमारे पास प्रेशर तो हमने निकाला है, ठीक है। एक हमारे पास प्रेशर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने निकाला है, दूसरा वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, फोर नंबर है जो ग्रेटर प्रेशर वाटर एट द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। डेप्थ हमारे पास है दी गई है, डेप्थ हमारे पास डी इक्वल टू 200 मीटर दी गई है, ठीक है। हमें इसका प्रेशर फाइंड करना है, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर का पता है, वो हम बनी आप जी डेंसिटी ऑफ वाटर है जो वो है 1000 मीटर, ठीक है। हमने इसमें प्रेशर फाइंड करना है, सॉल्यूशन हमें पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ रखा है कि प्रेशर जो है पी इज इक्वल टू रो जी एच के इक्वल, इसमें प्रेशर इज इक्वल टू रो हमारे पास हमें पता है डेंसिटी 1000 है मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लाई हाइट इसकी है जो वो है 200 और ये हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। तो यूनिट इसकी क्या होती है पास पर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रेशर, ठीक है। ये थे आज के न्यूमेरिकल, इस लेक्चर में हमने 1 टू 4 जो न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है, उनको आपको बखूबी अंदाजा हो जाइए, ठीक है। ये फार्मूले हैं जो इसमें आपको फार्मूले मिलती है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।